नमो विष्णु पादाया राधिकाया प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारी गण वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन। अभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सुंदर सुंदर कथा श्रवण करने को हमें मिली पूरे सप्ताह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिनाम संकीर्तन जो महाराज जी के साथ हम लोग करते हैं उसमें जो आनंद है उसको शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आनंद की अनुभूति है। और हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप और कथा, ये संबंध है भक्ति के। कल सबसे बढ़िया चीज दिखाया, सबसे बढ़िया चीज क्या कल अच्छा क्या अच्छा लगा आपको सबसे बढ़िया क्या? हाँ, जैसे कृष्ण जन्म लेने पर ब्रजवासी लोग जैसे चावल लेकर डालते ना, आप लोगों ने वैसे ही लाया, इसलिए हम लोगों ने सब सर्वप्रथम किसको घर में गए, किसको घर में गए थे? लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल, उसके बाद उमा जी थी, फिर बलराम प्रभु जी और सुमन दीदी घर में, उसके बाद में प्रेमचंद प्रभु घर में, उसके बाद में मीरा, उसके बाद में हमारे श्री शिवम सुरेंद्र प्रभु जी घर में, फिर शिवम घर में, और उसके बाद राहुल घर में, सब धूमधाम करके कीर्तन करते 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 आए। इसलिए ये बड़ौद में सबसे सर्वप्रथम ये उत्सव है, हम सोचते हैं हर साल इसको करने की, और क्या हम सोचते कि हर साल ये मथुरा में गुरुदेव करते थे, इसको मैंने देखा था, इसलिए हमने सोचा कि काम यहाँ पर क्यों नहीं, ठीक है, इसलिए कोशिश करके साल में से दो बार एक राधा कृष्ण और श्री एक जन्माष्टमी, अब देखेंगे अगर राधा कृष्ण में हो पाएगा तो हम फिर बात करके सबसे हम देखेंगे अगर राधा कृष्ण में हो गया, ठीक है। ये तो मेरे सबसे प्रचार हो गया ना, कीर्तन एक घर का छोटा रथ यात्रा हो गया, छोटी रथ यात्रा हो गई। और बलराम लोग बोल रहे थे जो इसको झांकी, झांकी मतलब जब ठाकुर जी को डोला ले जाने की, सोच रहे थे बारिश नहीं हो जाए फिर दिक्कत हो गया, लेकिन कल बारिश हुई थी, अच्छी बात थी, और मौसम भी ठंडा हो गया था, इस बार करके तो कोशिश करेंगे हम दोला लेकर के, हम भी दोला को लेकर जाएंगे, और दोला लेते तो और चार चार लग जाए, ठाकुर भी और पड़ोस में ठाकुर भी घर घर मिल जाए। श्री गुरुदेव की, इतना सुस्त है श्री गुरुदेव की। ये जो कल उत्सव मनाया, ये हम लोगों ने महाराज जी की उपस्थिति में प्रथम बार मनाया। एक बार हमने भी प्रारंभ किया था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि महाराज जी नहीं थे ना। तो ये जो उत्सव है, ये सब उत्सव जो है ठाकुर जी से ही आते हैं, और ठाकुर जी सनातन है तो उनके उत्सव भी सनातन है। हम लोग संसार के लिए कितना भी उत्सव मनाए, वो थोड़े समय बाद दिखावा मात्र रह जाता है और हम भूल भी जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ मनाया हुआ उत्सव हम भले ही भूल जाए, हरि गुरु वैष्णव नहीं भूल, और उनकी अनुकंपा निश्चित तौर से इस जीवन में कितनी भी विपत्तियां आ जाए तो वो हमारी हर विपत्तियों को हर लेते हैं। तो इसीलिए इन उत्सवों को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब यहाँ प्रकट हो गए तो अब यहाँ बाल लीलाएं हो रही, अभी चलना नहीं सीखा, घुटने चलते हैं, और घुटने चलते चलते दोनों कृष्ण और बलराम, बलराम भी ज्यादा बड़े नहीं है, मात्र 8 दिन बड़े कृष्ण से, दोनों घुटना चलते चलते चरण में नुपुर और
माता यशोदा और माता रोहिणी ने दोनों बालकों को इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। ठाकुर जी श्री कृष्ण बाल कृष्ण के तो मुखारविंद पर सुंदर तरीके से काजल लगाती है मैया और सुंदर सुंदर चंद्र इत्यादि से तिलक करती हैं और मोर का सुंदर पिच्छ पंख देती हैं और सुंदर जो है माला देती हैं, बहुत सुंदर सुंदर मणियों की माला और हाथों में कंगन देती हैं चांदी और सोने के इस तरीके से, और कुंडल जो है ठाकुर जी के मकराकृत कुंडल दोनों जो है अभी चलना नहीं जानते, ऐसे ही बलराम जी को सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ है। एक बिल्कुल गौर कांति है और दूसरी नीलमणि नील कांति, जिस प्रकार से आकाश नील गगन में अचानक से बिजली गोंदती है, ठीक इसी प्रकार से वह आनंद की अनुभूतियां जो गौर बलराम जो गोरे हैं बलराम जी हैं और श्याम जो हैं श्याम वर्ण के मेघ वर्ण के हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो इन दोनों के स्वरूप दोनों के वर्ण इस संसार में हम केवल और केवल उपमा दे पाते हैं, उनकी तुलना ही नहीं, ना तो मेघों से ना कमल से और ना ही चंद्र और सूर्य इत्यादि से, ये भी नगण्य है, लेकिन संसार में यही वस्तु है जो सबसे अच्छी प्रतीत होती है। इसीलिए भगवान के पूर्ण अंगों को उनकी कमल के साथ जो है जोड़ करके शोभा बनाई जाती है, जैसे नेत्र कमल ठाकुर जी के, ठाकुर जी का मुखारविंद, मुखारविंद मतलब मुख और अरविंद, अरविंद मतलब भी कमल होता है, और ठाकुर जी के हस्त कमल मतलब कमल जरूर जुड़ा हुआ है, और ठाकुर जी के चरण कमल नाभि कमल वक्ष स्थल इत्यादि जो भी है कमल से उसकी उपमा दी जाती है, क्योंकि कमल इतना कोमल और सौंदर्यपूर्ण है कि भगवान जो है हम मानते हैं लगभग इतने सुंदर होंगे और इतने ही कोमल होंगे, क्योंकि गोपियां भी कहती हैं हाय गोपी देखो कृष्ण गए हैं अभी सखाओं के साथ उछलते कूदते नंगों बछड़ों को चराने के लिए, इनके चरण कमल में कहीं कंकड़ लगते होंगे कहीं कांटे लगते होंगे और इनके तो कमल से भी ज्यादा कोमल है इनके चरण कमल, हम तो इनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर धराते हुए पधराते हुए घबराती हैं कहीं हमारे कठोर वक्ष जो है वो चुभ ना जाए, तो इतने कोमल है। ऐसे ही जब भगवान की सुंदर स्तुतियां भजन इत्यादि करता है भक्त और जब प्रथम बार भगवान का दर्शन होता है, जब भगवान बड़ी कृपा करते हैं भक्त को अपना समस्त प्रकार की अंग कांतियों को हटा करके, सबसे पहले बहुत तेज प्रकाश होता है और उस प्रकाश को देख करके भक्त बोलता है हे प्रभु इस प्रकाश को आप मुझे दिखा करके ज्ञानी लोग तो समझ पाएंगे इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा, मुझे तो अपना श्याम सुंदर रूप प्रदान कीजिए प्रकाशित कीजिए, तब भगवान कृपा करते हैं उस प्रकाश को कम करते हैं और अपना सुंदर स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं। वो सुंदर स्वरूप जब देखता है भक्त तब रोता है हे प्रभु मैंने जीवन भर आपके चरणों में अपराध किया है, क्यों? क्योंकि कभी तो मैंने आपकी नेत्रों की हाथों की चरणों की और पूरे अंगों की तुलना कमल से कर दी, कभी चंद्र से कर दी, कभी मेघों से कर दी, हे प्रभु वास्तविकता ये है आपके समस्त कोमल अंग इतने सौंदर्यपूर्ण है कोई भी वस्तु इनके सामने नगण्य है बिल्कुल शून्य है, और हम शून्य वस्तु से आपकी कल्पना कर देते हैं, जो कि नगण्य तुच्छ वस्तु है उससे आपकी तुलना कर देते हैं। सर्वप्रथम तो हमें क्षमा कीजिए क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि यहाँ पर संसार की समस्त वस्तु चाहे कितनी भी सुंदर हो कितनी मूल्यवान हो भगवान के समस्त बिल्कुल शून्य नगण्य। एक बार सब बोलेंगे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब भगवान हर कल्प में ब्रह्मा जी के आते हैं और हर कल्प में
श्री कृष्ण भगवान एक बार श्री राम चंद्र भगवान और एक बार चैतन्य महाप्रभु निश्चित तौर से आते, तो भी भगवान इतने ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा उनकी लीला सुंदर कि ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता भी भ्रमित हो जाते, भूल जाते। यहां तक कि नारद जी जो समय समय पर भगवान का दर्शन करते रहते हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये लीला कैसी, भगवान की अद्भुत लीला। भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, इसलिए नारद जी भी बार बार उनका दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं। तो दोनों जो बालक हैं बड़े सुंदर रूप से आंगन में भ्रमण कर रहे हैं, घुटने चल रहे हैं और घुटने चलते चलते एक आगे दौड़ता है कृष्ण और पीछे पीछे बलराम। बलराम पीछे क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनको अपना अपने आप को उनका सेवक मानते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, इनको कहीं चोट ना लग जाए, जबकि अभी खुद भी चलना नहीं आता तो भी बलराम पीछे पीछे दोनों बड़े सुंदर तरीके से किलकारियां मारते हुए आंगन से जो बाहर की ओर जाने लगे। द्वार की जो दहलीज है वो पहले ऊंची होती थी, आपने देखी हो जो डोडी होती थी काफी ऊंची होती थी, अभी भी गांव में होंगी, तो उसको पार करने के लिए दोनों भाई बड़ा उत्सुक नजर आते हैं, लेकिन बड़ी ऊंची होने के कारण उस पर चढ़ नहीं पाते। जैसे तैसे करके हाथों के बल से उस दहलीज पर हाथ रखकर की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इसको पार करके हम इस आंगन से बाहर जाकर देखें कि बाहर का संसार कैसा है। और दोनों बड़ा प्रयास कर रहे हैं, पीछे से बलराम जी कह रहे हैं चलो नहीं चला जा रहा, मैं धक्का देता हूं, मतलब अभी बातचीत नहीं करनी आती बच्चों को, आपस में इशारा कर रहे हैं कि इसको पार कैसे किया जाए। और दहलीज को धीरे धीरे कृष्ण, बाल कृष्ण जो हाथ के बल से उसको पार करने की चेष्टा जैसे ही करते हैं, पूजा होने के कारण उनके पीछे के जो पांव दोनों जो उचक गए, मतलब धरती को स्पर्श नहीं हो रहे हैं, ऊपर हो गए और बल हाथ के बल से एकदम पेट पर दहलीज आ गई है और लटक गए, ना इधर धरती छू पा रहे हैं हाथ से और ना इधर धरती को छू पा रहे हैं पैर से, बीच में लटक गए हैं दहलीज पर। और फिर रोने लगे जैसे बच्चे एकदम से कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है बड़ा ही एकदम घबराहट सी होती है, तो ऐसी ही बाल लीला कर रहे हैं जैसे साधारण बालक करते हैं, और वो इस प्रकार से रो रहे हैं जैसे इस दहलीज को हम कैसे पार करेंगे, हम तो फंस के खड़े हो गए। इस तरीके से अब बलराम प्रभु जो है वो देख करके बड़े दुखी भी हो रहे हैं कि कैसे इस छोटे भाई की मैं सहायता कर पाऊं, लेकिन कृष्ण जो है वो रो रहे हैं। और वहीं से एकदम से नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी ने देखा चलो आज गोकुल में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं। नारद जी कभी भी अकस्मात आ जाते थे, नारद जी ने देखा ये सुंदर लीला को कि किस प्रकार से चलते चलते दहलीज पर आए हैं और पार नहीं किया जा रहा, लटक गए उस दहलीज पर पेट के बल पर, तो मुस्कुराए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है एक इशारे से ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, वो एक छोटी सी दहलीज को कूद नहीं पा रहे, पार नहीं कर पा रहे। तो नारद जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अभी जो श्री कृष्ण चंद्र लीला कर रहे थे रोने की, एकदम से देखा अरे ये तो नारद है, नारद तुम इधर क्या कर रहे हो, अरे तुम उधर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो हंस रहे हो, मैं देखो इस अवस्था में ऐसा ही अवस्था में मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे पार कराओ। नारद जी कह रहे हैं ठाकुर जी मैं तो लीला का आस्वादन करने आया हूँ, दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि आपकी लीला आप ही जाने, मैं यदि गया तो रस विरस हो जाएगा, आप लीला कीजिए। तब नारद जी ने वहां प्रणाम करके छुप करके देखना प्रारंभ किया। अब बलराम जी को इशारा किया, ये नारद से तो कुछ होगा नहीं, बलराम तुम ही कुछ करो। बलराम जी के पीछे से बल वाले बलपूर्वक हाथ बढ़ा करके उनके चरणों को स्पर्श करके धक्का दिया, तो श्री कृष्ण भगवान उस तरफ पार हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बलराम प्रभु की जय। इस प्रकार की लीलाएं छोटी छोटी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ये जो लीलाएं हैं भगवान की हमें श्रवण करने से हमारा भजन बढ़ता है और
प्रभु और गुरुदेव हम पर कृपा करें, कभी ऐसी लीलाओं का आस्वादन हमें भी हो सके, दर्शन हो सके। इन्हीं सब शब्दों से मैं अपने बात में ही नाम देता हूँ। अभी भगवान कृष्ण जन्म हुए थे, अभी कृष्ण कौन है, कृष्ण का क्या महिमा है, हैं कृष्ण तत्व क्या है, हमारे ब्रज किशोर प्रभु की 5 मिनट इसी विषय पर बोले। के चरण कमरों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उपस्थित आर्य वैष्णव वैष्णव एवं ब्रह्मचारी एवं गुरु गुरु भाई और गुरु बहन सभी के चरण कमरों में यथाजोग्य अधम धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता है एवं हमारे श्रील भक्ति वेदांत बोधायन महाराज के चरण कमरों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हमारे गौरी परंपरा सभी वैष्णव के चरण कमरों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम अभी श्रवण कर रहे थे बालकृष्ण की लीला। ये कृष्ण हम 3 दिनों से कृष्ण के तिथि को पालन करते हैं, किस या श्रवण भी करते हैं, लेकिन ये कृष्ण है कौन? ये कृष्ण की कथा को हम इतना श्रवण करते भी कितना भी कि श्रवण करें तो भी आनंद ही आनंद आता है, इसे क्यों है? ये स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये स्वयं ब्रह्मा कहते हैं। ये ब्रह्मा कौन है? ये सृष्टि का जगत करता, जे सृष्टि को सृजन किया है वही ब्रह्मा जगत पिता, वही स्वयं कहते हैं कि ये ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर है। तो कृष्ण को ईश्वर क्यों माना गया? तो जगत पिता तो ब्रह्मा ने तो इस सृष्टि को सृजना किया है। ये ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय प्रथम श्लोक में ये प्रमाण है। हमें भौतिक या आध्यात्मिक स्थिति पर भी इसका भिन्न भिन्न श्रेणियों पर निरीक्षण किया जाए या विश्लेषण किया जाए या ध्यान पूर्वक उसका मनन किया जाए तो भी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ परम ईश्वर कृष्ण ही आएगा। तो ये कृष्ण है कौन? वास्तव में ये इसका व्यक्तित्व है क्या? कहते सचिदानंद विग्रह, जिनका शरीर में कोई भौतिक पदार्थ मिश्रण ही नहीं है, जिनके सूक्ष्म शरीर या भौतिक शरीर क्या दिखाई नहीं पड़ता है, जिनके आंखें दिव्य है, जिनके नासा दिव्य है, जिनके मुख दिव्य है, जिनके जिह्वा दिव्य है, जिनके अधर अमृत दिव्य है, जिनके नाभि कमल दिव्य है, जिनके पाद कमल दिव्य है, जिनके हाथ कर कमल दिव्य है, तो सब इनके दिव्य ही दिव्य है। ये दिव्य होते हुए भी ये संसार में मनुष्य रूप क्यों धारण करते हैं? जब इनका सृष्टि लीला करने की इच्छा होता है, हम अभी 10 दिन पहले श्रवण किए थे बलराम तत्व, जब इनका इच्छा होता है कि सृष्टि लीला करने के लिए, तो ये पहले क्या करते हैं? बलराम को अपने बाई अंग से प्रकट करवा देते हैं, फिर बलराम से शंकरसन वासुदेव एवं प्रद्युम्न अनिरुद्ध को प्रकट होते हैं, फिर शंकरसन से महाविष्णु प्रकट होता है। महाविष्णु जो महाविष्णु कौन है? जो कारण दोषाय विष्णु जिसको कहते हैं, तो कारण दोषाय विष्णु क्या है? वो जल में इनकी वास है, जो जल ही जल है। तो इनके रोम रूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जब ब्रह्मांड कोटि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जब उत्पन्न होता है तो इसी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में वो गर्भ दोषाय विष्णु उत्पन्न होता है। फिर गर्भ दोषाय विष्णु से कौन उत्पन्न होता है ना? पयोधिशाय विष्णु, वो कौन है? क्षीर दोषाय, मतलब जो क्षीर समुद्र में वास करते हैं। तो इन्हों से इनके नाभिकमल से कोमल उत्पन्न होता है।
जब कमल उत्पन्न होता है तो कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा देखते हैं, सोचते हैं कि मैं एक कमल के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन देखता तो चारों तरफ अंधारा अंधारा ही जल जल है कि ये कमल के ऊपर में आया, क्यों आया, किसी कारण आया। तो इन्होंने क्या करते हैं, फिर इस नारी को पकड़ते 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 फिर जो ब्रह्मा रखा गर्भ में घुस जाते हैं। गर्भ में घुसते तो अनंत ब्रह्मांड है। अच्छा कौन बता सकता है कितना युग है? हाथ उठा। कितना? चार। मैं कहता हूं पांच युग है। देखो प्रमाण के साथ, जब ब्रह्मा जी ने जब नारी को पकड़ते पकड़ते जब गर्भ में घुस गए तो गर्भ में ढूंढने लगे कि एक कमल का नारी कहाँ से आया, फिर भी इनका उत्तर नहीं मिला। फिर इन्होंने विचलित होकर फिर आके कमल के ऊपर बैठ गए, कमल के ऊपर बैठ के ओम ओम जप करने लगे। तो ये ओम ओम का जप किए तो करोड़ करोड़ वर्ष बीत गया, उसको कहते अनंत युग। ये अनंत युग शास्त्र में वर्णन है लेकिन वो गुप्तम है, उसका प्रचार नहीं, क्योंकि उससे कोई लीला नहीं है। उससे ब्रह्मा जी को जानने के लिए कौन हूँ मैं, क्यों आया, उसको जानने के लिए इनको करोड़ वर्ष बीत गया, इसके लिए इनका वर्णन नहीं हुआ। इसके लिए पांच युग है। लेकिन सत्य जो फिर इनको आकाशवाणी हुआ कि तुम द्वादश अक्षर मंत्र को जप करो। द्वादश अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको जप किए तो इनको कृष्ण भगवान दिखाई नहीं दिए, इनको कौन दिखाई दिया? खीरो दशाई विष्णु चतुर्था चतुर्था मूर्ति इन्होंने दिखाई दी। इन्होंने इनको पूछे मैं क्यों आया, किसी कारण आया? तो ब्रह्मा जी को कहते कि तुम सृष्टि साधना करो, सृष्टि साधना करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो इन्होंने सृष्टि साधना शुरू करते हैं। तो सृष्टि साधना जब करते हैं तो करने पर तो बोलेंगे हम सोचते मन में सोचेंगे कि अरे ये तो कृष्ण इतना बड़ा श्रेष्ठ होकर भी वो मनुष्य रूप धारण क्यों करते हैं संसार में? तो यहां में कहते हैं परित्राणाय सजीवम विनाशाय च दुष्कृतानि धर्म संतापनार्थाय समवापि युगे युगे। परित्राणाय साधुनां, ये साधुओं को परित्राण करने के लिए। जब साधु के ऊपर अत्याचार होता है, जब अत्याचार होता है इस साधु को उद्धार करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में धारण करके आते हैं। फिर परित्राणा साधना विनाशाय च दुष्कृतानि, दुष्टों को विनाश करके साधुओं को उद्धार करते। फिर धर्म संस्थापनार्थाय समवापि युगे युगे। तो भगवान है, जब चाहे तो ऊपर है, जब चाहे तो इनके हाथों में सब कुछ है, जब चाहे बटन दबा दो सब राख्या समर जाए, दुष्ट मर जाए। तो इनको मनुष्य तब धारण करने की क्या जरूरत है? धर्म संस्थापना संभव आदमी जरूरी। तो धर्म संस्थापना करने के लिए तो कितना सारे महापुरुष है हमारे, तो महापुरुष देखो अभी हमारे प्रभुपाद कितना सारे मठ बना दिए, इनसे कितना सारे हमारे गुरु वर्ग आए। अभी देखो कल तो हम श्रवण कर रहे थे ना स्वामी महाराज के, स्वामी महाराज कितना बड़ा महान महापुरुष है। हाँ, जो विदेश में जाकर विदेशी लोग जो दारू पीने वाले खाने पीने वाले उन लोग को हमारे इंडिया में भगवान के पारायण करती है, भगवान के चरणों में इनकी मति को लगाती है, कितना बड़ा महापुरुष है। हाँ, तो हमारे अभी गुरु हमारे गुरु जी को देखो, हम गुरु जी के कहाँ के, इनके जन्म स्थान कहाँ के, कैसा है, फिर अभी यहाँ के कितना धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो देखो अगर हमारे देश में महापुरुष अगर है तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? ना कहते हैं यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरजनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। यद्यदा चरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसे आचरण करते हैं इनको देख के ये समाज के लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब अनुसरण करते हैं। जैसे कि महाप्रभु स्वयं भगवान महाप्रभु आए, नाम को प्रचार किए, तो नाम को प्रचार किए तो इनको हम हमारे गुरुवर्ग अनुसरण किए, फिर इनके पीछे हमें अनुसरण करते हैं, हमें इनको नाम जाप करते हैं। वैसे ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जो आचरण करके दिखाता है इससे परंतर मतलब इनसे तो जूनियर्स जूनियर लोग इनको आचरण करते हैं। फिर कहते हैं सारिया प्रमाण गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जैसे जैसे वो लोग प्रमाण देकर गए हैं
तो हमें भी इसे प्रमाणित करते हैं। जैसे देखो महाप्रभु नाम जप करते करते के हमारे सड़क गोस्वामी भट्ट गोस्वामी रूप सिंधु गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी ये सब प्रचार करके गए भक्ति का। तो हम भी इसे प्रचार भक्ति का प्रचार करते हैं, हमारे गुरुवर का प्रचार करते हैं। ऐसे ही हम इसीलिए भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं कि ये लोगों को शिक्षा देने के लिए। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद हम गुरु जी के मुख से स्वागत करेंगे। मंचा कर पत्र से कृपा से लिया जाता है पत्ता का पावन है जल्दी आ जा। ये बच्चे हम लोग तो बूढ़े हो गए, हम मरने वाले हैं। अब ये बच्चे लोग सीखेंगे तो आप लोगों को सीख आप लोगों को सुनाएंगे, इसलिए हम लोग इनसे बुलवाते हैं। ज्ञान निरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी हाथ उठाकर जोर से बोलिए हरे कृष्णा और जोर से सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमारादितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत क्षेत्र गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि करना प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोगों ने श्री जन्माष्टमी और नंदोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया और उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम का यद्यपि गुरुदेव विश्राम हुआ है लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण के विषय में बताया है सदा सेव्यम सदा सेव्यम, है ना। श्रीमद् भागवत सप्ताह परायण तो है लेकिन उसका श्रवण उसको कीर्तन करने का सब समय ही उसका विधान है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर ही कृष्ण जन्म के उपरांत जो सारे कृष्ण की लीलाएं हैं बाल लीलाओं से लेकर उनकी फौगंड और केशव तो उन लीलाओं को हम श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। गुरुदेव का आदेश हुआ था कि भागवतम के अंतर्गत श्री वेणु गीत जो है उसके विषय में थोड़ा बहुत वर्णन करने का। हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे प्रभु जी मुखारविंद से किस प्रकार ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। लेकिन ये होते हुए भी क्या किया उन्होंने, एक साधारण बालक जैसे एक जैसे सद्यो बहुजात शिशु चक्रवर्तीपाद वर्णन करते हैं कि जैसे एक साधारण बालक जन्म लेता है माँ के गर्भ से, उसी प्रकार कृष्ण ने मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जन्म लेकर जिस प्रकार एक बालक सारी हरकतें करता है जैसी गतिविधियां उसकी होती है वैसे ही कृष्ण ने किया। तो कृष्ण जब और थोड़े से बड़े हुए एक केशव श्री गोपियां कृष्ण सबसे पहले तो इस चीज का वर्णन भी हम लोग विस्तृत रूप में मैं कर दूं कि कृष्ण श्री भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी कि भगवान जब इस धराधाम पर अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते स्वयं अपने परिकरों के साथ में आते हैं। तो कृष्ण भी जब इस धराधाम पर अवतरित हुए थे अपने मैया बाबा उनकी जो गोपियां सारे सखा दाऊ जी इन सभी को इस धाम से ही लेकर आए हैं तो उनका गोपियों के साथ में या उनके सखाओं के साथ में जो लीला विलास है उस लीला विलास को श्रवण करके हमारे हृदय में कोई जड़ बुद्धि ना आ जाए इसके लिए पुनः पुनः श्री टीकाकारों ने बड़ा ही सावधान भी किया है और उसका स्पष्टीकरण भी दिया है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के अंतर्गत वर्णित जो वेणुगीत रासपंचाध्याय भ्रमर गीत युगल गीत इत्यादि सारे मधुर लीलाएं जो कृष्ण ने करी है उनको अनधिकार उनको जड़ अवस्था में जो बद्ध जीव हैं जो काम क्रोध लोभ मोह से पीड़ित हैं उनको इनका अनुकीर्तन करने के लिए यद्यपि मना किया है लेकिन श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जिन्होंने एक ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम लिखा है वेणुगीत
तो उसी ग्रंथ की प्रस्तावना में इसके अधिकार का कौन इसका श्रवण कर सकता है, किसको इसका कीर्तन करना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण देते हुए कुछ बातों का वर्णन किया। मैं आपको आज वही सब बातें बताता हूँ। देखो श्रील कृष्णदास कवियार गोस्वामी पाद, उन्होंने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। कृष्णदास कवियार गोस्वामी पाद और चैतन्य चरितामृत क्या है ये तो हमें पता होगा, है ना। चैतन्य भागवत, जैसे हम कृष्ण भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं किससे, भागवतम से, ऐसे ही शचिनंदन गौर हरि उनकी लीलाएं वर्णित है चैतन्य भागवत में। और चैतन्य भागवत के बाद में ही एक और ग्रंथ की रचना हुई है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत लिखी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सब सिद्धांत कहीं कहिया ना जो आए, ना कही ले यो यार अंत नहीं पाए। कि भगवान कृष्ण की ये सारी जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, इनको यदि मैं वर्णन ना करूं तो इनको कोई समझ भी नहीं पाएगा। और यदि इनका वर्णन, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, ये सब सिद्धांत कहीं वो निगूढ़ कहते हैं, गुढ़ रूप में मैं वर्णन करूंगा, स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं करूंगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप में वर्णन नहीं करूंगा तो इसलिए सब लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो मुझे वर्णन करने में चिंता किस बात की। उदाहरण देकर बतलाते हैं, जैसे आम का पल्लव, जो आम्र पल्लव होता है, आम्र पल्लव बड़ा मीठा होता है लेकिन उसको केवल कोयल ही आस्वादन करती है। लेकिन ऊंट को देखो भाई, ऊंट क्या करता है, ऊंट हमेशा कांटे ही ढूंढता है ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की ये जो मधुर लीलाएं हैं, जो रसिक जन होंगे, जो तत्व सिद्धांत विद रसिक जन होंगे, वो तो इसको आनंद, वो इसका श्रवण करके, इसका अनुकीर्तन करके आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन उसी के विपरीत जिनमें जड़ का बहुत ही पूर्ण रूप में विद्यमान है, जो इस जड़ जगत के काम क्रोध लोभ इत्यादि अनर्थों से ही भरे हुए हैं, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वे कहते हैं कि मैं मुक्त कंठ से इसको मैं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कैसे, गुड़ रूप में छिपा कर गुह्यत रूप में इसको मैं वर्णन कर रहा हूँ। दूसरी बात और वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के, यद्यपि हम श्रवण कर रहे थे कि उनके आने का कारण क्या है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, कि जब भी साधुओं पर, गौ ब्राह्मण इत्यादियों पर हानि होती है, उस समय पर भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन ये उनके आने का गौण कारण है। ये उनका आने का गौण कारण है, कृष्ण स्वयं रसिक शेखर हैं, इसलिए इन सभी रसों का आस्वादन करने के लिए वो आते हैं। और ये सारी लीलाएं करने के बाद वो क्या करते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहे मास्तित और करोमि विविध क्रिया या श्रुत्वा तत्परो भवे। कह रहे हैं भगवान कृष्ण यदि अवतार ना लेते, हमने कितने सुंदर रूप में नंदोत्सव मनाया, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, यदि भगवान कृष्ण जन्म ना लेते तो क्या ये सारे उत्सव होते, उत्सव नहीं होते। अभी राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी का भी बड़े सुंदर रूप में हम श्रवण कर रहे थे, कैसे उत्सव होगा। तो अगर भगवान अवतीर्ण ना होते तो इनके सारे जन्म महोत्सव, झूला महोत्सव, जो सारे उत्सव हम मनाते हैं, ये उत्सव अभी होता ही नहीं। तो भगवान कृष्ण के आने का कारण क्या बताया, अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए। और भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भी इसी कारण करी है, क्या या श्रुत्वा तत्परो भवे, यदि जो मेरे भक्त हैं वो इन लीलाओं को यदि श्रवण करेंगे तो वो तो आनंदित होंगे ही। अरे भक्तों की बात छोड़ दो, यदि अभक्त भी उसका श्रवण करे तब भी उनका चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। भगवान ने इतनी मधुर मधुर लीलाएं करी है, इतनी करुणामय लीलाएं करी है कि यदि कोई अभक्त भी उसे श्रवण करे तो उसका भी हृदय द्रवीभूत हो जाएगा और कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा। और यदि भगवान के चरणों में किसी का हृदय आकर्षित हो जाए तो उसका जड़ जगत से उद्धार होना तो निश्चय है, है ना। तो इसलिए बतलाया कि ये भी एक कारण है, भगवान ने ये मधुर लीलाएं करी है, सुंदर लीलाएं करी है। दूसरी बात, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कृष्ण की ये सारी मधुर लीलाएं यद्यपि उन्होंने करी है जीव को आनंद प्रदान करने के लिए, जीव के श्रवण मात्र के लिए, लेकिन वहां पर कहते हैं कि नैतत समाचरे जातो या नैचत समाचरे जातो, कि कोई इसका अनुकरण करने की चेष्टा ना करे। कि भैया भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों को एकत्रित करके और रास किया था, तो कोई जड़ कोई बद्ध जीव यदि ये विचार करे कि हम भी करेंगे ऐसा, उसका अनुकीर्तन करने की यदि विचार करें, कहते हैं करना तो दूर की बात, उसका संकल्प भी मत करो,
उसका संकल्प भी यदि किया तो क्या हो जाएगा, विनाश, विनाश निश्चित है, सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान कौन है, जैसे भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था, हलाहल विष, उसको शंकर जी ने पान किया, किया ना, लेकिन उनको कोई दोष लगा, उनकी कोई क्षति हुई, उनकी कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन वहीं पर कोई जड़ जीव उसका पान करे, एक घूंट भी पान नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बता रहे हैं कृष्ण कौन है, वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनके जैसा समाचरण करना हर एक के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो मधुर लीलाएं करी है उनका कहते हैं अनुशुणिया विक्रीडितम ब्रज वधुंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशुणिया, कह रहे हैं अनुश्रवण, उसका बार 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 श्रवण करो। श्रवण करने से क्या होगा, हमारे हृदय में जो सारे जड़ भाव है वो दूरीभूत हो जाएगा, और दूरीभूत होके कृष्ण का विशुद्ध प्रेम जो है उसके प्रति हमारा लोक जागृत होगा। और यदि लोक जागृत हो जाए तो उसके प्रति हम धावित होंगे, बार बार वही कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण यही होगा, और ये करते 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 क्या होगा, भगवत चरणों में अनुराग हो जाएगा। श्री परीक्षित महाराज ने क्या किया, हरि कथा ही तो श्रवण करी ना, श्रवण ही तो किया था, सात सात दिन में ही उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण किया तो उसी समय पर उनके लिए रथ आया और एक सुंदर गोपी रूप धारण करके और भगवत धाम को गमन किया। तो कह रहे हैं अनुश्रुणिया, इस जड़ भाव को दूर करने का एकमात्र उपाय यही है, अनुश्रुणिया भगवान की कथाओं का श्रवण करना, और स्पेशली ऐसी मधुर कथाओं का श्रवण करना। और उस चीज में एक चीज बता रहे हैं कि ऐसे नहीं स्वयं अपने आप ही, गुरु परंपरा के अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में, यदि किसी रसिक तत्व के वैष्णव के अनुगत्य में ऐसे सब लीलाओं का श्रवण कीर्तन हो तो उससे निश्चय ही भव सागर से हम पार हो जाएंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों ओम विष्णु पाद अष्टोत्तम दशीतम दो दिन पहले ही हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पे, विशेष करके कृष्ण ने 6 दिन में पूतना पर उद्धार लीला किया। अब यहाँ पे इसके थोड़ा आगे श्रवण करते हैं कि कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना को क्यों मारा, क्या कारण है। तो इसके पीछे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि 6 दिन जो होता है ना, ये विशेष करके 6 दिन के बाद एक शुद्ध स्नान होता है जिसमें बच्चे को बड़े सुंदर से स्नान करके गोरचना आदि तिलक कृष्ण को लगाया जाता है, बच्चे को लगाया जाता है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि 6 दिन हो गया, मैं अपने वृंदावन में तो आ चुका हूँ, लेकिन ये पूतना क्यों आई थी। एक कारण में इसमें बताया था कि पूतना इसलिए आई थी कि पूतना बाल घाती कंसे न प्रेरिता घोरा पूतना बाल घाती, ये पूतना कंस के द्वारा प्रेरित होके ब्रज के जितने भी सारे बालक को सर जितने भी सखा सकी कृष्ण के जितने भी सखा सकी वो सबको मारने के लिए आई थी। तो कृष्ण सोच रहे हैं भाई अब पूतना तो आई थी, कहीं मेरे सखा सकी का कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो इससे पहले भी कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं ब्रज में तो आ गया, लेकिन किस प्रकार वृंदावन है और किस प्रकार जो यहाँ का जो मधुर दर्शन कृष्ण उसको आस्वादन करना चाहते थे। तो इसी कारण वजह से लीला जानी जो माया कर इच्छा शक्ति क्या क्या कृष्ण का कि कृष्ण के इच्छा को जान करके इच्छा जाने जोग माया करे समाधान। तो इच्छा शक्ति ने क्या किया, कृष्ण को उसी प्रकार का एक वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे एक आवश्यक वस्तु को वहाँ पे भेज दिया। जैसे यहाँ पे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि कौन ना कंस ने प्रेरित किया पूतना को, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, कोई कंस प्रेरित नहीं कर सकते वृंदावन जाने के लिए। तो बोलते हैं कि ये योग माया देवी का एक
इच्छा था, एक कृष्ण के जो इच्छा था उसको पूरा करने के लिए योगमाया देवी का एक तो ये आचार्य हुआ, ये एक लीला था। तो योगमाया देवी के माध्यम से ब्रजवासी पूतना को पहचानने पर, और जैसे ही पूतना आते हैं और दूर लेके अपने स्वरूप में लेके कृष्ण को उड़ा करके ले जाते हैं, और जैसे ही उड़ा करके ले जाते हैं कृष्ण पूरा ऊपर उठ के पूरा वृंदावन को दर्शन करते हैं, पूरा गोकुल को दर्शन करते हैं, अपने सारे सखा सखी सारे ब्रजवासियों को दर्शन करते हैं। तो ये उसका विशेष महिमा की छः दिन में क्यों पूतना को वध किया। तो इसके कुछ दिन पश्चात कृष्ण को जब एक साल हुआ तो कंस ने और एक असुर को प्रेरित किया कि ब्रज में जाके मारो, उसका नाम क्या है, तृणावर्त, हवा में घूमने वाले एक तूफान जैसा तृणावर्त का स्वरूप है। तो तृणावर्त को प्रेरित कर दिया। अब जैसे ही तृणावर्त आया ब्रज में, तो देखो ये ब्रज में है, इसमें कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर खुद एक प्रश्न उठा रहे कि ब्रज में ब्रह्मा शिव जी का, जो भक्तों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी प्रवेश नहीं है, कि तृणावर्त पूतना इनका भी प्रवेश हो गया। तो इसमें दो तीन कारण बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि भगवान इस जगत में आते हैं परित्राण है साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्। एक चीज इस जगत में आते हैं किस लिए, ना साधुओं का उद्धार करके दुष्टों का संहार करने के लिए। अब तृणावर्त जिंदा रहेगा तब कृष्ण क्या करेंगे, इसको मारने के लिए, इसको वध करने के लिए कृष्ण इसको इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रज में बुला रहे हैं। और दूसरे कारण बता रहे हैं कि ब्रज में क्यों प्रवेश कर गया, कि बोल रहे हैं कृष्ण इसके ऊपर विशेष कृपा की। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर पाल बता रहे हैं कि कृष्ण इसके ऊपर कृपा की, कृष्ण इसके ऊपर कृपा नहीं करते तो ये क्या होता, कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर पाता। अरे जिन कृष्ण को उठाने की तो दूर की बात, चरण धूलि के लिए ब्रह्मा शिव जी और उद्धव जैसे महाभागवत वहाँ पे स्तुति करते हैं उन कृष्ण के चरणों में। तो वहाँ पे ये तृणावर्त कौन सा, ये तो अविद्या है, ये तो असुर है, ये किस प्रकार उठा पाया, बोले ये खुद कृष्ण ने ही कृपा किया, खुद कृष्ण का ही इच्छा था। तो एक समय क्या हुआ, यशोमती मैया ने कृष्ण को बड़े सुंदर सुंदर माखन मिश्री खिला करके कृष्ण को ऐसे लाड लड़ा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं नीचे झुका रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं नीचे झुका रहे हैं। तो उसी समय ये तृणावर्त ऐसे करके ब्रज में आया। जैसे ही तृणावर्त ब्रज में आता है भयंकर मेघ, भयंकर वर्षा और चारों तरफ जैसे अंधेरा कि रात्रि समय कि जिस प्रकार रात्रि हो गया है, सब भ्रमित हो गए कि अचानक से क्या हो गया ये वृंदावन में। तो ये तृणावर्त छट करके आके क्या करता है, कृष्ण को ऊपर उठा करके उड़ा लेता है। अब देखो इसके ऊपर पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और दो विशेष बात बताया कि कृष्ण क्यों ऊपर उड़ के गए। तो एक अर्थ में बता रहे हैं कि ये अपने वृंदावन धाम को पुनः सखा सखियों को बड़े सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। ये कृष्ण सोच रहे भाई ये हाई माँ कौन, पूतना ने तो मुझे उड़ा के ले गया, लेकिन मैं पूतना को प्राण हरण करने में इतना व्यस्त था कि मेरे वृंदावन को ठीक से देख नहीं पाया, ये मेरे सखा सखियों को ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन ये तृणावर्त अब तो मैं एक साल का हो चुका हूँ, तब तो मैं छह दिन का था, अब मैं देखूंगा कैसे हैं मेरे सखा सखी क्या कर रहे हैं। तब कृष्ण देखते हैं, देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश में ये घूम रहे हैं। दूसरे कारण बता रहे हैं कि जो स्वर्ग के देवा देवी गण है, ये स्वर्ग के जो देवता गण है, ये हर समय कृष्ण के हर लीला में हर उत्सव के समय ये पुष्प वृष्टि करते हैं, धुंधुकी शंख वादन करते हैं और ये नृत्य गान आदि करते हैं स्वर्ग से ही। इनको ब्रज में भी प्रवेश नहीं है, ब्रज में भी नहीं आते, ये दूर से ही प्रणाम करते हैं। अब कृष्ण सोचे भाई इनके ऊपर भी मैं थोड़ा कृपा कर दूं। तो जैसे ही तृणावर्त ने आकाश मार्ग में ले गया तो वहां पे स्वर्ग के सारे जितने भी देवा देवी इंद्र के साथ समस्त देवा देवी वहां पे प्रकाशित होके कृष्ण को आरती करने लगे और भगवान का दर्शन किया। अब कृष्ण सोच रहे भाई मेरा काम तो हो गया, दो काम हो गया, देवा देवियों का दर्शन भी दे दिया और दूसरे ब्रज गोपाल को भी सखा सखियों का दर्शन भी हो गया। अब मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन कैसे उतारूं, ये तो उतारेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, उसके गला को पकड़ लिया। तो जैसे ही कृष्ण ने उसको गला को पकड़ लिया तो इसमें बता रहे हैं कि शिव जी जिस प्रकार त्रिपुरारी को वध करके मार दिए थे, नीचे गिरा दिए थे, उसी प्रकार कृष्ण ने तृणावर्त को गला को पकड़ते ही तृणावर्त का प्राण चला गया। तो इसमें पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो कारण और बता रहे कि शायद हो सकता है कृष्ण ऊपर घूमते घूमते स्वाभाविक बालक का एक स्वरूप, एक ये होता है कि इच्छा होता है कि ऊपर उड़ते उड़ते वो क्या होते हैं ना, ज्यादा ऊपर चले जाते हैं मतलब डर जाते हैं। तो शायद डर के मारे कृष्ण ने क्या किया, उनके वो
कला को पकड़ लिया। और दूसरे कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो ये दुष्ट ने क्या किया, कृष्ण को ऊपर तो उड़ा लिया, इच्छा शक्ति कृष्ण की जो इच्छा को तो पूरा कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये दुष्ट कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा है। तो कृष्ण बोले भाई तू मुझे मार नहीं सकता, मैं तुम्हें स्वयं कृपा करूंगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उसके गला को पकड़ लिया और गला को पकड़ करके उसको मार दिया। तो इसी प्रकार तृणावर्त का भी कृष्ण ने उद्धार किया। तो श्री कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं ये तृणावर्त कौन है, बोले ये मिथ्या अभिमान है, ये मिथ्या अभिमान है। जब तक जीव के हृदय में मिथ्या अभिमान रहेगा, मिथ्या अभिमान यानी जो हम मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, इस प्रकार का जब मिथ्या अभिमान रहेगा कि ब्रह्म और भगवान, भगवान कोई नहीं होता, भगवान निराकार है, भगवान साकार स्वरूप नहीं है, इस प्रकार का मूर्खता जब तक जीव के हृदय में रहेगा तब तक ये बाल कृष्ण का स्वरूप भगवान ने किस किस प्रकार कैसे कैसे वृंदावन में मधुर मधुर लीला किया, कहाँ पे माखन मिश्री चुराया, कहाँ किसी गोपियों का मटकी को तोड़ा, तो ये जितने भी लीला है ना उसके हृदय में स्फूर्ति नहीं हो पाए, क्योंकि वो हर समय तो क्या ब्रह्म में डूबा रहेगा, भगवान के स्वरूप को मानेगा ही नहीं, साकार बोल के मानेगा नहीं। तो ये जो तृणावर्त कौन है, ये बोलना जब सबसे ऊंचा लेवल तृणावर्त क्या ठाकुर जी को ऊपर उठा के लेंगे, जो ज्ञान मार्ग योग मार्ग की जो लोग सबसे ऊंचा ऊंचा बात करते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रेम की बात है, जिसमें प्रेम प्राप्त होता है, जो कृष्ण के मधुर मधुर लीला, उसको आस्वादन नहीं करते और कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण के जो स्वरूप को वो कभी भी साकार नहीं मानते, हर समय निराकार ही मानते। और निराकार मतलब ब्रह्म में वो लीन होना चाहते हैं। जैसे अगर हम गुरुजी गुरुपाल एक बात बता रहे कि अगर राम जी के परिकर कृष्ण और कृष्ण के परिकर भगवान और भगवान के परिकर अलग अलग है या मिल गए भगवान में, प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के अंदर मिल गए क्या, नृसिंहदेव से अलग ही रुके, जितने भी कृष्ण के सखा सखीगण वो कृष्ण से मिले नहीं, कृष्ण के शरीर में मिल नहीं गए, वो कृष्ण से हर समय अलग ही रुके ताकि वो लीला का आस्वादन कर पाए। लेकिन जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वो क्या करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं जो वृथा अभिमान है ना, जब तक जीव के हृदय में ये वृथा अभिमान रहेगा, ये तब तक ये भगवान का मधुर मधुर लीला, भगवान का भगवत प्रेम भक्ति, ये जीव के हृदय में कभी भी जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण ने एक साल के बाद ये तृणावर्त को वध करके ये शिक्षा प्रदान कर दी। इसके आगे देखो कि जो ठाकुर ने तृणावर्त को वध किया है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले मुहूर्त पद तमसा चरणम चल रहा है, कहते कहीं कभी जो व्यक्ति साधन करता है, जैसे थोड़ी समय के लिए ये तृणावर्त आकर क्या किया, पूरा आकाश को अंधकार कर दिया, और इतने अंधकार कर दिया मैया यशोदा ने, जब कृष्ण ने देखा मामा जी आगे, मामा जी कंस मामा, मामा जी सबके सब मामा लगते हैं, कंस ने तृणावर्त को भेजा था, बोले भैया जब मैया देखना बच्चे माताएं कभी कभी बच्चे को क्या करती हैं, अब लोग बच्चे जन्म देख ली कभी कभी बच्चे को ऐसे ऐसे उछालते हैं, ऐसे ऐसे उछालते हैं कभी, जब मैया यशोदा कृष्ण को ऐसे ऐसे उछाल रही थी, कृष्ण सोच रहे मैया क्या कर रही है, ये थोड़ी सी मेरे को उछाल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कुछ दिन पहले मैं मक्खन चोरी करने वाला और गली गली अभी धोने वाला हूँ, अभी किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ देखो कैसे, इसलिए मैया मेरे को थोड़ी सी उछालती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई एक एरोप्लेन आ जाए और एरोप्लेन में बैठ करके थोड़ी सी ये ब्रज को दर्शन कर लो, देवा देवियों को भी दर्शन करा लो, है दर्शन दे दूँ। अभी कृष्ण की इच्छा समझ करके तृणावर्ती आ गई और आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैया ने देखा कृष्ण सोच रहे हैं अगर मेरे को ये तृणावर्त उड़ा करके ले जाएगी मैं तो बच ही जाऊँगा, लेकिन मैया क्या करेगी, मैया खेल कैसे बचेगी अगर दोनों को उड़ा कर ले गई तो, इसलिए उन्होंने इतने भोजन अपना भरा बढ़ा दिया। मैया बोली लाला को क्या हो गया इतना भोजन, कैसे पत्थर की चट्टान जैसे, इतने में उन्होंने कन्या को उतार कर रख दिया, उतार कर रखा तो इतने में तृणावर्त आया, आकाश को अंधकारमय कर दिया और कृष्ण को पकड़ करके उन्होंने ऊपर में उठा करके ले गया। जब उठा करके ले गए क्या हुआ, पूरा आकाश एकदम तमसा चरण हो गया। यहाँ श्री गुरुदेव एक समय कथा सुना रहे थे, कभी कभी जो साधन भजन करने आते हैं उनको जीवन में भी कभी कभी बड़ी बड़ी अंधकार तमसा अंधकार कभी कभी थोड़ी समय के लिए आ जाता है, जैसे ब्रज में
थोड़ी समय के लिए एकदम अंधकार हो गया, लेकिन उसी समय साधकों को अपना भक्ति में स्थिर रूप में रहना चाहिए। क्योंकि कहते जो भक्ति जगत है, कहते सत्यम सत्नेन विघ्नानां, अगर कोई सच बोले उसमें 100 विघ्न है, विघ्न और तपस्यादि तथा हजार। फिर जो तपस्या करते हैं उसको 1000 विघ्न है, लेकिन जो व्यक्ति गोविंद का भजन करते हैं कद हर स्टेप स्टेप में ही विपत्ति है। कोई बेटा शराब पिए गंदे रास्ता पर जाए गिरना कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी गले में कंठी तिलक लगा है बड़े बड़े भक्तानी बन गई, बड़े भक्तानी बन कर गले में अगर कंठी धारण कर लिया ना, बड़े भक्तानी बन करके माला लेकर गुजरेंगे। लेकिन कोई शराब पिए उल्टा पुलटा काम करना देखना कोई कुछ उसको बोलने वाले नहीं। लेकिन भक्ति जगत में चलो, हाँ मिला जो भजन की कितना विपत्ति आई है। प्रभात महाराज भजन किए तो पिता ही जान से मारने के लिए कोशिश की, पिता ही हरिदास ठाकुर भजन किया तो 22,000 में पिटाई हो गई उनकी। ब्रह्मा स्वयं प्रहलाद महाराज को, रामानुज आचार्य भजन किए तो उनकी आंख निकाल दी गई कुरेश की है। प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे हमारे जो गुरु जी के गुरु जी, उनको तो जान से मारने के लिए कोशिश की। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते देखो भजन करते हुए अगर थोड़ी बड़ी कोई विपत्ति आए ना, कहते भैया चंचलता होने का जरूरत नहीं, घबराना नहीं। कहते जो भक्ति मार्ग है, कहते ये कौन सा मार्ग, कहते ये कायरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं, कहते ये सूर वीरों का मार्ग है, सूर वीर के लिए भजन है। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माला मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं। जैसे युद्ध जब कोई कोई जब कोई सैनिक युद्ध करता है, जितने उसको ऊपर प्रहार हो वो पीछे नहीं हटता है, बल्कि उसना उसका खून उतना उबलता है, उसका शरीर में इतना गर्मी आता है, जितने प्रहार हो और कोशिश एक कदम वो आगे बढ़ता है, वो कोई पीछे नहीं हटता है। इसलिए शिक्षा थी अगर थोड़ी समय के लिए कहीं विपत्ति आ जाए तो घबराना नहीं, और क्या करना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। गुरुदेव एक छोटी सी स्टोरी सुनाते थे, 2 मिनट सुन लो ठीक है, इसके बाद में अब लोग चले जाना। कहते हैं देखो भक्ति जगत में कभी कभी ये माया भी बड़े प्रबल है, ये माया है ना, कहते ये इतने प्रबलता भक्ति जगत में, ये कभी कभी माया भी भक्तों का पीछे बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा पीछे माया बढ़ जाती है। तो गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, कहते एक समय श्री रंगत जी में, रंगत जी कहते में कोई एक था जो ठाकुर जी की रंगत जी की सेवा करता था, बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी, और उनके बड़े सुंदर बाग थे जिसमें सुंदर सुंदर तुलसी फूल होता था, और रोज ठाकुर जी के लिए फूल तुलसी लेकर के रंगा जी की सेवा करता था। एक दिन वो रंगा जी के लिए है भगवान नारायण के लिए फूल और तुलसी चयन कर रहा था। 2 बहनें थी, तो दोनों ही वैश्या है। एक समय उधर से होती जा रही थी, जाते समय जो बड़ी बहने ने देखा ये ब्रह्मचारी, बड़े सुंदर ब्रह्मचारी और बड़े आविष्ट तक और साथ में फूल और क्या तुलसी चयन कर रहे हैं और प्रभु का नाम को जप कर रहा है। बड़ी बहनी छोटी बहनी को कहती बोले देख रहे हो कितने अच्छे साधु हैं, कितने प्रभु की भजन में आविष्ट है, ठाकुर जी के लिए चिंता में कैसे निभा रहे। लेकिन जो छोटी बहनी थी ना वो बड़ी बहनी से ज्यादा सुंदर थी, इतने में उसने बोले रख रख हम ऐसे कितने ब्रह्मचारी को देख लिया, वो तब तक वो ब्रह्मचारी जब तक मेरे तरफ में देखती नहीं है तब तक ये ब्रह्मचारी। बड़ी बहनी कहती है तुम नहीं जानते संतों को, संत लोग ठाकुर की सेवा भक्ति करने वाले हैं इसलिए तुम नहीं जानती हो। अभी दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। बड़ी बहनी कहती है संत लोग भक्ति करते भजन करते हैं, लेकिन छोटी बहनी कहती है ये सब काम जानती हूँ है, जब तक मेरे तरफ में देखेगा नहीं तब तक साधु देखेगा तो साधु भाधु सब भ्रष्ट हो जाएंगे सर के साथ। दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो बड़ी बहनी कहती है अगर तुम इसको गिरा नहीं सकती तो, छोटी बहनी कहती है गिरा कर बिका दूंगा, तो बोले मैं तुम्हारी दासी बन जा, बोले देख इसको मैं क्या करती हूँ। उसने किया कि नाटक की रिमझिम बारिश हो रही थी, उसने जान बुझ करके पतला कपड़ा पहन करके आ गई,
और देखना आप जब बारिश हो ना कपड़ा भीग जाती है, भीगने पर शरीर में चिपक जाती है। उसने जान बूझ करके उसको फंसाने के लिए उसने किया कि वो जो बाबा जहाँ पर फूल और तुलसी चयन कर रहे थे ना उसको ठीक सामने आकर गिर पड़ी और उसने नाटक करना शुरू कर दी। मर रहे हो कोई हो तो मेरे को बचाओ मैं मर। वो बेचारा फूल और चयन कर रहा था तुलसी, उसको कान में लड़की की आवाज पड़ी, बोले कोई लड़की रो रही छोड़ने दो, लेकिन वो तो फंसाना चाह रही थी। फिर जोर जोर से चित्कार किया, बचाओ मैं मर रही हूँ, मेरे को बचाओ मैं मर रही हूँ, कोई बचाओ हो तो। अभी संतों का हृदय बड़ दया, संत हृदय नब नीत समय। अभी सुन सुन कर तप्तों का हृदय की धारणा कर, मतलब देखता हूँ जाकर के देखा तो वो छटपट छटपट नहीं, वो नाटक कर रही थी, छटपट कर रही थी। देख कर उसने बड़े दया आई और उसने कंडा को जलाया, छटपट कर रही थी, छत्तर की कांप रही थी, कंडा जलाया और उसको शरीर को उन्होंने सिकाई की। सिकाई जब की उसने सही हो गई चली गई, लेकिन देखो उसने जो सिकाई की पतली कपड़ा पहनी हुई थी, शरीर में कपड़ा चिपक रही थी, बाहर से सारा शरीर दिख रहा था। उसने जब देख लिया बस इसका तो मन विचलित हो गया। फिर क्या हुआ, वो जान बूझ कर फंसाने के लिए वो बारम्बार उसी रास्ता में जाती है, बोले बाबा राधे राधे राम राम है, और जान बूझ कर उसको फंसाने के लिए राम राम राधे राधे। अभी धीरे धीरे कोई एक चीज छुपा छुपा करके दे जाती है, उसको छुपा छुपा करके बाबा इसको ले जाए। ऐसे करते 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 एक दिन उसको प्रेम में संपूर्ण फंसा ली, ऐसे प्रेम में फंस गई ठाकुर बस सेवा पूजा गया चूल्हा में, गया चूल्हे में सब ठाकुर बस सेवा पूजा। अभी बन गई उसकी नौकरा, नौकर बन गया, छुपा छुपा करके सब चीज को देता है ठाकुर का चीज। अभी जब देने लग गया, अभी ठाकुर जी सोचने लग गए ये तो मेरा भक्त गया, ये का भजन करने के लिए आया था, घर बार छोड़कर भक्ति कर रहा था, ये तो इसके चक्कर में फंस गया, इसने इसने फंसा दिया। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर बड़े दयालु कृपालु, ठाकुर जी ने सोचा इसको उधार में से कैसे करूं, तो गया मेरे हैं, अभी मेरा चिंता किया, मेरे दिन तो मेरा चिंता करता नहीं, वो तो अभी बेस्या दिन भर चिंता कर रहा है। एक दिन क्या किया ठाकुर ने, जान बुझ करके उनके जो सोने की कटोरी, सोने की ग्लास और सोने की प्लेट था ना, ठाकुर जी ने क्या किया, खुद चोरी करके ना वो रख दिया, वो बेस्या घर में पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया सबर हल्ला हो गया, ठाकुर का सोने की कटोरी ग्लास थाली चोरी, हल्ला जब हो गया राजा के पास में खबर गया, राजा सीआईडी लगा दिया, सीआईडी लगाते लगाते देखा वो बेस्या घर में, बोले बेस्या घर में कैसे आया, सीआईडी देखा, बोले वो जो ब्रह्मचारी है ना इसको घर में आता है, वो जो ठाकुर का सेवा पूजा करता है घर में ही आता है, बास पकड़ा गया, बोले जेल में कर दे इसको। अब उसको जेल में ठोस दिए, जब जेल में ठोस दिए वो जो ब्रह्मचारी था, बोले हाय रे मैं कहाँ प्रभु की भजन कर रहा था, भक्ति कर रहा था, हाँ कहाँ आनंद में रह रहा था, मेरे मन चित्तवृत्ति कहाँ चला गया, कहाँ मैं माया में फंस गया, और यही से नहीं माया में फंसा था, अभी जेल में बंद हो गया, फिर अभी मैं जेल में फंस चला गया, मैंने कितनी गलती काम की, क्यों उसको साथ में मैंने प्रेम की। फिर रो रो करके उसने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी माफ कर दो मेरी गलती हो गई, ठाकुर जी मेरे को उद्धार कर। जब खूब हृदय में रोए खूब बिलबिलाए, तो इतने में ठाकुर जी स्वप्न दिया राजा को, बोले महाराज इसने चोरी नहीं किया है, चोरी मैंने की है, चूंकि ये एक वेश्या के चक्कर में फंस गया था, इसको उद्धार करने के लिए मेरा भक्त था, दिन रात मेरी सेवा में लगा हुआ था और मेरी सेवा छोड़कर माया की सेवा में लग गया, इसलिए उसको मैंने उद्धार करने के लिए ये नाटक किया है, अब उसको छोड़ दो। जब उसने छोड़ दिया फिर उसने माफी मांग कर खुद को से छोड़ दिया। गुरुदेव कहते थे ये ब्रह्मचारियों के लिए सावधान, इसलिए साधु सावधान, माया कितने तरह से ये ब्रह्मचारियों को गिराने के लिए प्रवेश करती है। गुरुदेव कहते थे सुई बन करके तो निकलेगी, और जब निकलेगा ना थाल बन करके निकलेगी, थाल बन करके निकलेगी, और देखोगे सारे भक्ति भक्ति जा करके कहाँ गड्ढे में गिर जाओगी। इसलिए हमें गुरुदेव कहते भैया ये माया से सावधान रहो साधु सावधान। इसलिए यहाँ पर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते मुहूर्त पर तमछाचरणम, जैसे थोड़ी समय के लिए ब्रज, ब्रज क्या है भगवान की लीला भूमि है, जैसे थोड़ी समय के लिए वहाँ अंधकार आ जाती है, साधो का जीवन भी कभी कभी ऐसे अंधकार
आ जाती है। इसलिए जान बुझ करके टांग अड़ा करके ब्रह्मचारियों को किसी माया से कोई संबंध नहीं रखनी चाहिए, संबंध केवल गुरु वैष्णव सेवा ठाकुर को सेवा। इसलिए छुपा करके भी हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई सोचेगा हम क्या कर रहे हैं, गुरुदेव को थोड़ी पता, ठाकुर को, ठाकुर को पता है कि नहीं हम कोई काम कर रहे हैं, ठाकुर जानते कि नहीं, ठाकुर से कोई चीज छुपा सकते हो? इसलिए पाप की घड़ा जब भर जाती है ना, फिर फटती है, फिर उसको कोई छुपा नहीं सकते। गुरुदेव कह दीजिए जब फोड़ा, कहीं अगर गुप्त जागरण में हो गया, डॉक्टर को नहीं बोले ना, एक तीर पूरा शरीर को गला देगा वो फोड़ा। इसलिए कोई चीज को हम छुपा करके नहीं कर सकते हैं। ये ठाकुर जी गुरु वैष्णव सब जानते हैं, एक दिन सब के सब भार खोल देते हैं, भार को खाद खोल देते हैं। इसलिए भक्तों को सावधान रह करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव बीच बीच में मथुरा में रहते समय ब्रह्मचारियों को सावधान करने के लिए ये बात को गुरुदेव बीच बीच में कहते थे, कभी माया के साथ में कोई संबंध को मत रखना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे I don't know.